हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरटी एकेडमी। आई एम योर मैथ्स टीचर दुर्गेश तिवारी। हम लोग लेक्चर नंबर 1-2 क्लास 11 सेट के कंप्लीट कर चुके हैं और आज बारी लेक्चर नंबर 3 की। इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम क्या होता है, उसमें कैसे रिलेट करेंगे, उसमें क्या क्या कंडीशन होंगी, क्या क्या टर्म आएंगे उसमें, वो सब हम लोग आज इसमें डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3 में वेन डायग्राम के अंदर। और सबसे पहली बात और सबसे जरूरी बात, हम लोग मिल कहां पर हैं, आरटी एकेडमी में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 वेन डायग्राम से। तो देखिए वेन डायग्राम में क्या है, ये हमारा आ गया वेन डायग्राम। तो सबसे पहली चीज, इसमें आप एक चीज ध्यान समझिए कि टर्म क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले एक चीज आता है बेटा, एक वर्ड यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट है हमारा, तो इसके सिंबल्स क्या है, पहली बात तो इसके सिंबल की बात करते हैं। इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से होगा, या तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं या तो आप कैपिटल यू से लिखेंगे, ठीक है ना। ये सिंबल है यूनिवर्सल सेट, इसका मतलब ये होता है कि आप जितने बाकी के सेट होंगे ए बी सी डी जितने भी आप बनाएंगे उसके अंदर एलिमेंट इन्हीं सेट के होंगे, इसके बाहर नहीं जाएगा। ये जो सेट होता है यूनिवर्सल सेट, ये सबसे बड़ा सेट होता है, इससे छोटा कोई भी सेट नहीं। इसको रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से करेंगे, जैसे कि मैंने एक रेक्टेंगल बॉक्स ले रखा है, ये बड़ा यूनिवर्सल सेट कर दिया मैंने यू, और इसके अंदर मैंने ले लिए कई सारे एलिमेंट। चलिए इसके अंदर एलिमेंट ले लेते हैं कुछ, जैसे मैंने एक ले लिया बड़ा एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो आप देख रहे हैं कि जो सेट ए और सेट बी है ये सब यूनिवर्सल सेट के अंदर के ही एलिमेंट। ऐसे जरूरी नहीं कि ए भी है, आप कोई और भी एक सेट ले सकते हैं। जैसे मैंने एक सेट और ले लिया, जैसे एक सेट और कर लेते हैं, इसी अंदर एक सेट मैंने सी ले लिया है, ठीक है। तो आप कई सारे सेट ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। बस इसी के बारे में आज हमको क्या करना, डिस्कस करना है। तो चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बेटा आप यू भी लिख सकते हैं इस प्लेस पे, और यू की जगह आप इसका जीटा सिंबल का भी यूज कर सकते हैं, दैट इज सिंबल ऑफ यूनिवर्सल सेट। मतलब जितने भी आप एलिमेंट लेंगे, फिर जितने भी सेट बनेंगे वो इसी इसके अंदर आएंगे, पर इसके बाहर नहीं जा सकता कोई भी, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहली चीज यूनियन ऑफ टू सेट, क्या रहा सबसे पहले हमारा यूनियन ऑफ टू सेट। तो यूनियन ऑफ टू सेट में आप देखिए पहली बात तो सिंबल क्या होगा इसका, इसका जो सिंबल होगा इसको देख लेते हैं हम लोग। सिंबल इसके लिए इसका जो सिंबल है बेटा, हम लोग इसमें सिंबल यूज करते हैं कुछ इस तरीके से यू, ठीक। अच्छा यू का मतलब आपको एक तरीके से समझना है, कंबाइन कर देना है सारे एलिमेंट को, ठीक। इसमें क्या कर देना है, कंबाइन कर देना, आपको रिपीट नहीं करना, बहुत सारे एलिमेंट अलग से नहीं लिखने। जैसे मान लो एक बड़ा एक सेट ए है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और बेटा ये बी एक सेट है 3, 5, 7, 9, और आपको बेटा आपसे पूछा गया ए यूनियन बी। अच्छा ए यूनियन बी अगर आपको लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे, मतलब दोनों एलिमेंट को कंबाइन करके लिखना है, लेकिन रिपीट नहीं करना है, ठीक है ना। दोनों एलिमेंट कंबाइन करके लिखना है और रिपीट नहीं करना है। इसमें इस तरीके से कुछ लिखना है, जैसे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आएगा आपका, 4 आ जाएगा, 5 आएगा, 6 आ जाएगा, 7 एंड 9। बेटा रिपीट नहीं करना है एलिमेंट को बस, और आपको कंबाइन करके लिख देना है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इस बात को समझ पा रहे हैं, जितने भी सेट आपको दिए जाए, हो सकता है एक सेट, टू सेट, थ्री सेट भी हो, एक से ज्यादा सेट भी हो सकता है। जैसे सेट ए 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक बी है 3, 5, 7, 9, और आपको फाइंड करना है क्या बेटा, ए यूनियन बी। तो कैसे लिख देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा और भी एक दो एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, एक बार इसी में एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं।
जैसे कि एग्जांपल अपने पास ये है, जैसे मैंने एक सेट लिया बेटा ए 1 3 5 7 9 और एक सेट मैंने बी लिया है 2 3 5 7 11 और हमसे कहा कि बेटा ए यूनियन बी फाइंड करिए, हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो मैंने क्या बताया आपको, एलिमेंट कंबाइन करके लिखना, लेकिन रिपीट नहीं करना है। अगर टू एलिमेंट है दोनों सेट में सेम है तो उनको वन टाइम ही लिखना है। तो आप यहां पर किस तरीके से लिखेंगे, 1 2 3 5 7 9 11 ठीक है, इस चीज क्लियर, इस चीज को आप समझ पा रहे हैं? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा, इसका नेम है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। सबसे पहली बात इसके सिंबल की बात कर लेते हैं, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। इसका जो सिंबल और नोटेशन है ये कुछ इस तरीके से करेंगे, उल्टा ही वो आप समझ सकते हैं। इसका मतलब एक तरीके से होगा बेटा कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट्स मतलब जितने एलिमेंट उसमें क्या है कॉमन है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया बेटा, एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 और एक सेट बी है 2 3 5 7 9 और आपसे पूछा गया बेटा ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मींस कॉमन, दोनों में जो चीज हो। तो चलिए इसमें पहले हम लोग सर्कल कर लेते हैं कि दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या क्या है। तो देखो बेटा 2 3 5 7 ये जो आपको फोर एलिमेंट दिख रहे हैं दोनों सेट में है, तो दोनों सेट में तो आपको इसको इस जगह पे पुट कर देंगे 2 3 5 7 तो यही क्या आगे बेटा आपका आंसर हो गया ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मींस क्या है, कॉमन एलिमेंट, ये आपको ध्यान देना है जो दोनों सेट में होने चाहिए। प्रेजेंट ऑन बोथ सेट लिख देता हूं मैं, प्रेजेंट ऑन बोथ सेट, दोनों सेट में प्रेजेंट होना चाहिए बेटा, एक में नहीं। तो यूनियन में क्या कंबाइन करके लिखना है, अगर दोनों सेट में है तो वन टाइम लिखना है, और इंटरसेक्शन मतलब उल्टा ही हूं, और इसमें क्या करना है दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वही आपको लिखने के बाद। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। इसके बाद बेटा हमारा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये एक नई चीज निकल करके आई है, आपको समझना चाहिए। डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस का मीनिंग ये तो पता है कि माइनस से होगा, कुछ इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए माइनस बी, और जरूरी नहीं कि ए माइनस बी ही हो, बी माइनस ए भी लिख सकते हैं। ए माइनस बी का मतलब होगा बेटा कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच प्रेजेंट इन ए बट नॉट बी, मतलब ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन जो कि बेटा ए में तो हो लेकिन बी में ना। अच्छा इस सिम ये जो आपको दिख रहा है ये बॉक्स, आप इसको किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं। तो किस तरीके से लिख सकते हैं आप इसको समझिए, आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश से भी आप डिनोट कर सकते हैं। तो सेम फॉर दिस, इसको आप कैसे लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए डैश, डैश मतलब अपना कॉम्प्लीमेंट, ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है ना, अभी आप इसको समझ लीजिए कि इस तरीके से लिखना है, और ये है क्या, इसको लिखेंगे कलेक्शन ऑफ All those elements which present in a अब क्या आएगा बेटा, जब b माइनस है तो प्रेजेंट इन b,
but not a. हमें ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन करना बेटा इस बार जो कि बी में हो ए में नहीं होने चाहिए। चलिए इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल इसका देखते हैं, जैसे बेटा एक सेट मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 और एक सेट बी है आपके पास 2 3 5 7 और 11। ये प्राइम की बात मैं कर रहा हूं, प्राइम लिखे हुए कुछ इस तरीके से। और बेटा आपसे पूछा गया है फाइंड ए माइनस बी। आपसे बेटा क्या पूछा गया, ए माइनस बी। ए माइनस बी में क्या आएगा, ऐसे एलिमेंट जो ए में हो बी में ना हो। तो मैं सर्कल करने जा रहा हूं, ऐसे जो ए में तो दिख रहा है मुझे बी में नहीं दिख रहा है। जैसे मैं बात करूं वन की, तो वन ए में है बी में नहीं है। बात करें फोर की, तो फोर बेटा आपका किसमें, ए में है बट बी में नहीं है। और सिक्स की बात कर लेते हैं, जो सिक्स है आपका ए में है बट बी में नहीं है। तो ऐसे एलिमेंट जो ए में हो बी में नहीं हो वही ए माइनस बी है। तो आ जाएगा 1, 4, 6। अच्छा बात करें बेटा बी माइनस ए की, बी माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे एलिमेंट जो कि बी में हो लेकिन ए में ना हो। तो मैं ऐसे एलिमेंट को सर्कल करने जा रहा हूं जो बी में है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एलिमेंट कुछ इस तरीके से देखें। अगर मैं बात करूं 7 आपको नहीं दिख रहा है, देखिए 7 आपको केवल सेट बी में है। और सेम फॉर द 11, ये दोनों एलिमेंट जो आपको दिख रहे हैं 7 एंड 11, ये दोनों के दोनों एलिमेंट आपका सेट बी में ही है लेकिन ए में नहीं है दोनों एलिमेंट। तो यहां पे आ जाएगा बी माइनस ए मतलब 7, ठीक है ना। तो ये a माइनस बी हमारा आ गया और ये आ गया हमारा b माइनस ए। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं इसी में। सिमेट्रिक डिफरेंस, ये क्या लिखा है बेटा, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये एक न्यू वर्ड आया। ये थोड़ा डिफरेंस से रिलेट करेगा लेकिन इसमें सिंबल आपको कुछ इस तरीके से यूज करना है। आप प्लस का भी यूज कर सकते हैं या इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, डेल्टा ए प्लस बी लेकिन सर्कल के अंदर ही होना चाहिए और इस तरीके से डेल्टा से भी। बेटा इसके मीनिंग्स भी टू होंगे। कुछ लोग इस तरीके से लिखते हैं ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। और आप इन लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए माइनस बी यूनियन b माइनस ए, a माइनस b यूनियन b माइनस ए। तो चलिए बेटा हम आपको पहले अब वेन डायग्राम के लिए सर्कल दिखाते हैं कैसे फॉर्म करना है। जैसे यूनियन की बात करी थी मैंने बात किसकी करी थी, यूनियन की। तो यूनियन को ही अगर आपको डिस्ट्राइड करना है तो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं पूरे जितने भी हैं। जैसे हमने पहले सबसे पहले डिस्कस किया था मैंने यूनियन के बारे में आपसे बताया, यूनियन। तो जैसे मैंने लिया बेटा एक यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है और ये आपको दिखाया है बेटा दिख रहा है सेट बी, ये यूनिवर्सल सेट है, दिस इज यूनिवर्सल सेट। ये आपका यूनिवर्सल सेट है। अब जैसे मैं इसको कलर कर दूं, इसी सेट को अगर मैं कलर कर दूं बेटा, ये जो दिख रहा है आपको जिसको मैं कलर कर रहा हूं जिस पार्ट को, जिस पोर्शन को मैं कलर कर रहा हूं बेटा ए और बी के, आप उस चीज को समझें। जिस पोर्शन को मैंने कलर किया बेटा ये आपका कंप्लीट पार्ट क्या, ए यूनियन बी का पार्ट है। दिस कंप्लीट पार्ट इज ए यूनियन बी। ये जो कंप्लीट पार्ट आपको दिख रहा है ये सेट ए गिवन है और ये सेट बी है और ए और बी को मैंने कंबाइन कर दिया, यही आपका क्या हो गया, ए यूनियन बी। अच्छा अगर इसी में अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें
तो चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं इंटरसेक्शन कैसे देखेंगे। अब इंटरसेक्शन के लिए देखना है तो सबसे पहली बात तो ये आपका आ गया यूनिवर्सल सेट, और ये बेटा आपका सेट ए, और ये आपका सेट बी। तो अगर मैं इसको कलर करूं देखिए, जो पोर्शन मैंने कलर किया बेटा, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये पार्ट आपका है इंटरसेक्शन, कॉमन दोनों में जो कॉमन है ए इंटरसेक्शन, ये जो कॉमन पार्ट है इसी को बोलेंगे हम लोग ए इंटरसेक्शन भी। पहले मैंने कंप्लीट कंबाइन कर दिया था तो वो था यूनियन, और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा एक चीज और इसमें और देख लेते हैं हम लोग, जैसे मैंने लिखा था ए माइनस बी लिखा था, तो ए माइनस बी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे बेटा ये आपका है यूनिवर्सल सेट, और ये दिख रहा है आपको सेट ए, और ये दिख रहा है बेटा सेट बी। इसमें आपको ये ध्यान देना ऐसे एलिमेंट जो केवल ए में हो, मतलब कुछ इस तरीके से मैं कर सीधे सेट कर रहा हूं रीजन कंप्लीट, केवल ये पार्ट बेटा इसके इस साइड ही रहना है, इसके बाहर नहीं जाना है। ये जो मैंने सर्कल कर दिया इसको, ये आपका हो गया ए माइनस बी। और अगर मैं इसको कर दूं, इसको चलिए अलग पेन से कर लेते हैं इसको, ये बेटा आपका ए बी माइनस ए, ये आपका ए माइनस बी, और ये आपका पोर्शन क्या है बी माइनस ए। अच्छा इसी में अगर आपको दिखाना चाहे तो अगर इन्हीं दोनों को आप कंबाइन करके लिखें तो यही क्या बन जाएगा बेटा आपका जाकर के सिमेट्रिक डिफरेंस। तो इसी में चलिए और आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो जैसे यार सम बेसिक रिजल्ट ऑफ कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर मतलब एन, एन पे बेस्ड है और एन पे बेस्ड होकर के हमें बनाना है। तो सबसे फर्स्ट रिजल्ट जो आएगा आपका रिजल्ट नंबर वन वो ये है कि एन ए यूनियन बी इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत डिफरेंट डिफिकल्ट है थोड़ा सा। अब देखिएगा ये बेटा आपको हो गया यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए आपको दिख रहा है और ये दिख रहा है आपको सेट बी। अब देखो अगर ध्यान से, जैसे मैंने सेट ए लिया तो मैं सेट ए को डार्क कर रहा हूं, सेट ए को कंप्लीट सेट ए ले रहा हूं तो मैं फुल लूंगा इसको, ये हमारा हो गया सेट ए, इसको ले लिया चलिए ठीक है। अच्छा इसी में और आगे बढ़े, इसका तुमसे कहा गया सेट बी लेना है ना, सेट बी, चलिए सेट बी की बात कर लेते हैं। तो ये वाला पोर्शन हमारा हो गया सेट बी का। तो एक बार ध्यान से देखो बेटा, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इतना पार्ट जो आपको दिख रहा है ये वाला जिसको मैंने सर्कल किया है, ये जो एक्स्ट्रा हो गया ना, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये वाला पोर्शन जो आपका क्या हो गया, ये एक्स्ट्रा पार्ट आ गया। तो एक्स्ट्रा पार्ट तो माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि टू टाइम्स आ गया ये वाला पोर्शन, तो टू टाइम्स अगर आ गया तो वन टाइम क्या कर देंगे उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना था, मतलब आपने जब ए लिया तो ए में फुल ए आ गया, बी लिया तो फुल बी आ गया, तो जिसकी वजह से जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन था ये आपका टू टाइम आ गया था, और टू टाइम आ गया था तो वन टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो मैंने वन टाइम इसको क्या कर दिया, हटा दिया, बस इस चीज को आपको ध्यान देना है। अच्छा इन फॉर्मूला को प्रूफ भी देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं इसमें। अब जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है, इसी में सेकंड फॉर्मूला, सॉरी एन ए माइनस बी, एन ए माइनस बी मतलब टोटल ए से इंटरसेक्शन हट गए, एन ए माइनस बी का मतलब तो केवल क्या है यही वाला पार्ट है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका एन ए माइनस
एंड ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा इसी नंबर थ्री पे आ जाओ, एन बी माइनस ए, तो एन बी माइनस ए क्या हो जाएगा, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लिखे बेटा, चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखे, बात ए की है, तो एन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन ए। तो ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे, उसको हम आपको कराएंगे, इसके प्रूफ भी देखेंगे। अभी हम लोग इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं, और सबसे पहले आ रहा बेटा कॉम्प्लीमेंट ऑफ इस टू सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट, इसको चलिए देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट में क्या है। अच्छा कॉम्प्लीमेंट जो वर्ड आया है ये डिफरेंस से ही रिलेट करेगा, जो कॉम्प्लीमेंट, जैसे इसमें कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा बेटा, ए सी आप लिख दीजिए या ए डैश कर दिया जाए, ए डैश है, बी डैश है, ए यूनियन बी का डैश है, तो इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, जीटा माइनस ए, मतलब ऐसे एलिमेंट जो जीटा में हो बट ए में ना हो, मतलब यूनिवर्सल सेट में हो ए में ना हो, तो कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स which present in universal set but not A, मतलब ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में तो हो लेकिन सेट ए में नहीं होने चाहिए, अगर सेट ए में हो जाएंगे तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, जैसे मैंने बेटा ले लिया जीटा जो आपका यूनिवर्सल सेट है कुछ इस तरीके से 1, 2, 3 अप टू 10, और सेट ए की मैंने बेटा आपको 1, 3, 5, 7, 9, और सेट बी गिवन है 2, 3, 5, और सेट सी गिवन है बेटा आपको 1, 4, 9, मतलब स्क्वायर वाले टर्म। अब आपसे देखिए जितने भी एलिमेंट ए बी सी में वो यूनिवर्सल सेट के आउटसाइड नहीं है, यूनिवर्सल के सेट के अंदर के ही होने चाहिए, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो गया बेटा, ऐसे एलिमेंट आपको लेने हैं जो यूनिवर्सल सेट में तो हो लेकिन ए में ना हो, तो क्या आ जाएगा इसमें 2, 4, 6, 8 एंड 10, ये एलिमेंट आ जाएंगे। अच्छा बात करें बेटा बी डैश की या बी कॉम्प्लीमेंट की, तो बी कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा 2, 3, 5 लिखा हुआ है, ऐसे एलिमेंट लेने हैं आपको इस जगह से यूनिवर्सल सेट से जो कि जो यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन बी में नहीं होने चाहिए, तो क्या आ जाएगा बेटा 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा सी डैश क्या हो जाएगा, ऐसे एलिमेंट जो बेटा यूनिवर्सल सेट में तो हो लेकिन सी में नहीं होने चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2, 3, 5, 6, 7, 8 और ये क्या आ जाएगा एक लास्ट में एलिमेंट। तो मेरे ख्याल से आप ये समझ पाए कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का मतलब ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में तो हो बट जो सेट हमको जिसका कॉम्प्लीमेंट करना है उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये भी डिफरेंस से रिलेट करता है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा इसी में। तो इसके बाद बेटा हम लोग कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो चलिए क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं हम लोग। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सेट गिवन है हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, बी गिवन है आपको क्या 2, 4, 6, 8, तो ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो बेटा ए यूनियन बी का मतलब हो जाएगा कंबाइन करना है लेकिन रिपीट नहीं करना, अगर दोनों में सेम है तो टू टाइम नहीं लिखेंगे, वन टाइम ही आपको उसको लिखना है। तो जैसे क्या हो जाएगा पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 8। ठीक है, अब जैसे देखिए 2, 4, 6, 2, 4, 6 दोनों प्लेस पे, तो आपको वन टाइम ही लिखना, ये नहीं कि दोनों जगह आप लिख दो, टू टाइम्स लिख दो वो रॉन्ग हो जाएगा, वन टाइम ही लिखना है। अच्छा बात कर लेते हैं इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, तो दोनों बड़ा कॉमन एलिमेंट क्या है
पहली बात तो सर्कल कर लेते हैं, टू है, फोर है और सिक्स है, टू फोर सिक्स आपको दिख रहा है, तो हम लोग इसमें लिख लें टू फोर, ये आपके कॉमन एलिमेंट आ गए। अच्छा देखो बेटा, ये ए इंटरसेक्शन बी डैश भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है, आप ए माइनस बी भी लिख सकते हैं और ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो ऐसे एलिमेंट जो ए में हो लेकिन बी में ना हो, कलेक्शन ऑफ ऑल दोस एलिमेंट प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी। तो चलिए इसको लिख लेते हैं बेटा। तो सबसे पहली चीज ए में होने चाहिए, तो जैसे बात करें बेटा वन ए में है बट बी में नहीं है, थ्री एंड फाइव, वन थ्री फाइव ऐसे एलिमेंट है बेटा जो कि ए में है लेकिन बी में नहीं है। अच्छा ऐसे बी माइनस थ्री के लिए बात कर लेते हैं, ऐसे एलिमेंट जो कि बी में हो और ए में ना हो, तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, बी में हो और ए में नहीं हो, तो टू फोर सिक्स तो क्या बेटा एक एलिमेंट है, इस केस में एट। तो समझ पा रहे, ये था आपका डिफरेंस, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन में कंबाइन कर देना, रिपीट नहीं करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो जाएगा, जो कि कॉमन एलिमेंट है, ठीक है ना, कॉमन एलिमेंट दोनों सेट में, और ए माइनस बी मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए में हो बी में ना हो, बी माइनस ए का मतलब ऐसे एलिमेंट जो बी में हो और ए में नहीं होने चाहिए। चलिए इसी में और देखते हैं बेटा हम लोग, अरे वाह ये देखिए क्या आ गया, सिमेट्रिक डिफरेंस, इसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना अभी हम लोग, देखा भी था इसको, सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए आप टू मेथड्स का यूज कर सकते हैं, एक तो आप इसका यूज कर सकते हैं ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, अदरवाइज यू कैन यूज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस, बोथ आर करेक्ट। ये थोड़ा सा इजी लगता है लोगों को, तो आप जिससे चाहे उससे कर सकते हैं, इसका ऐसा कोई वो नहीं है। तो चलिए सबसे पहले ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी या ए यूनियन बी निकाल लेते, मैं ए यूनियन बी निकाल रहा हूं, तो बेटा दोनों को कंबाइन करके जरा, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन, और बेटा ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको पहले सर्कल कर लेते हैं, टू इसके बाद एक हमारा एलिमेंट कॉमन आ रहा है देखिए फोर, और एक लास्ट में एलिमेंट कॉमन आ रहा है सिक्स, देखिए कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक। तो जो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, टू कॉमा फोर कॉमा सिक्स, और हमसे कहा गया कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग क्या है, पहली बात तो ये ऐसे एलिमेंट जो ए यूनियन बी में हो लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में ना, ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो ए यूनियन बी में तो होने चाहिए लेकिन इंटरसेक्शन में ना हो, तो ऐसे कौन से एलिमेंट है बेटा, वन थ्री फाइव एट नाइन टेन, ये आपके सिमेट्रिक डिफरेंस का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। आप इससे भी कर सकते हैं, नाउ यू कैन चेक इट आउट, आप इसको चेक करेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है इसको ध्यान देंगे, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग आज का। जैसे एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, सेट ए गिवन है और सेट बी गिवन है, तो जैसे ए यूनियन बी बेटा इसको कंबाइन करना है लेकिन आपको रिपीट नहीं करना, तो कैसे लिखेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, मैंने दोनों कंबाइन करके लिख दिया है लेकिन रिपीट नहीं किया, जैसे देखिए टू स्पेस में टू स्पेस में, तो लेकिन लिखना वन टाइम ही है। अच्छा जैसे कहा गया बेटा ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मींस कॉमन, तो देखिए बेटा टू कॉमन दिख रहा है, थ्री कॉमन है आपके पास, टू एंड थ्री टू एलिमेंट्स आर कॉमन ऑनली, तो आप क्या लिखते हैं इसमें टू कॉमन। देखिए बेटा कहा गया ए माइनस बी, मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए में तो हो लेकिन बी में नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो बेटा ए माइनस बी कर लेते, तो क्या आ जाएगा वन फाइव सिक्स, ये 156 जो आपको दिख रहा है बेटा देखिए केवल ए में है बी में नहीं है। अच्छा बी माइनस ए की बात कर ले, तो ऐसे एलिमेंट जो कि बी में हो और ए में नहीं होने चाहिए, तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि 4 7 एंड 8, 4 7 एंड 8 दीज एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी बट नॉट इन ए,
ये देखिए ध्यान से देखना है इसको, इसको मैं इस तरीके से डिनोट करूंगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी बेटा, ऐसे एलिमेंट जो कि यूनिवर्सल सेट में तो हो लेकिन ए यूनियन बी में नहीं होने चाहिए। ए यूनियन बी में हमारे पास है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 ऑल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, तो बेटा ऐसा कुछ है ही नहीं। जब ऐसा कुछ नहीं है इस केस में आप क्या लिखेंगे, फाई, फाई का मतलब तो आप जान ही रहे नल सेट, ऐसा कोई सेट है नहीं है, ये क्या है नल सेट हो गया। इसके बाद आगे बेटा ए डैश माइनस बी डैश, मतलब ए डैश माइनस बी डैश मतलब आप चाहे तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसमें ये करने जा रहा हूं, मैं पहले ए डैश अलग से फाइंड करूंगा, बी डैश अलग से फाइंड करूंगा, फिर दोनों का कॉमन ले लेंगे, ये होगा बेटा आपका यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ये हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट माइनस बी, इसको मैं अलग से फाइंड कर लेता हूं। बेटा ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में तो हो लेकिन ए में नहीं होने चाहिए, तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो क्या आएगा आपके पास, 1 2 3 5 6 है, तो 4 7 and 8 और इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, यूनिवर्सल सेट में हो बट बी में नहीं होने चाहिए, तो 1 आ जाएगा, 5 होगा आपके पास, 6 आएगा, और फिर इसका दोनों का कॉमन भी आपको लेना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का कॉमन क्या है, दोनों बड़ा कुछ कॉमन है ही नहीं, तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं तो ये भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, ये भी नल सेट आ जाएगा हमारा, That is also null set. अच्छा ये क्या है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में एलिमेंट हमारे पास क्या है, 5 6 7, तो बड़ा यूनिवर्सल सेट में ऐसे एलिमेंट लिखने जो ए माइनस बी में नहीं होने चाहिए, तो क्या आएगा इसके लिए हमारा आंसर फाइनल, 2 3 4, 5 6 लेना नहीं हमको, 7 and 8, तो ये हमारा देख a माइनस b डैश। तो बेटा इसी के साथ हमारा जो लेक्चर है आज का कंप्लीट हो रहा है, जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे तो उसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो अभी हम लोगों ने वेन डायग्राम के फॉर्मूले डिस्कस किए थे, कार्डिनल नंबर पे बेस्ड जो है, इसी पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वेन डायग्राम से रिलेटेड आप वेन डायग्राम से कर सकते हैं, फॉर्मूलों को लेकर के कर सकते हैं। तो सबसे पहले जरूरी इंपॉर्टेंट बात, हम लोग कहां पर मिल रहे हैं, आरटी अकेडमी में मिल रहे हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दो फ्रेंड्स के साथ क्या करें, शेयर करें इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे साथ बने रहें फॉर फुल सिलेबस कवरेज के लिए।